आरोपियों के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब अवनवानी ने देशवासियों को बधाई दी है। इसके बाद उन्होंने एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भारत रत्न से नवाजे जाने की सरकार से गुजारिश भी की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही ना की जाए। बता दें कि हैदराबाद गैंगरेप के सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि यह लोग भागने की कोशिश भी कर रहे थे, यह भी एक अपराध था और उन्होंने जो किया वह बहुत बड़ा अपराध था जो माफी के लायक नहीं था। इन्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। समस्त देशवासियों को हैदराबाद रेप कांड अपराधियों के एनकाउंटर पर हार्दिक बधाई देता हूं एवं भारत सरकार से ही गुजारिश करता हूं, जिन पुलिस वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको भारत रत्न दिया जाए। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। और हमें पता है, पूरा देश जानता है कि उन लोगों ने भागने की, देखिए एक तो उन्होंने अपराध किया, उसके बाद उन्होंने भागने की भी वहां से कोशिश की। तो ये जो पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाया है, मैं प्रत्येक NGO से, प्रत्येक वकीलों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी उनके फेवर में ना आए, क्योंकि उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिससे देश शर्मसार हुआ था। तो आज जो ये भी हुआ है, जो भी हुआ है, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। इससे और लोगों को भी सबक मिलेगा, जो लोग वैसी हैं, दरिंदे हैं और दरिंदगी को अपने मन में रखते हैं, उन लोगों को सबक मिलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यही भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।